इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम टॉपिक है आज का, इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो स्टार्टअप्स है उसका इकोसिस्टम कैसा है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, एक तरह से एनवायरमेंट है ना, कैसा वो ग्रो कर रहा है स्टार्टअप हमारा, कैसा ग्रो कर रहा है, कितने तेजी से उसका विकास हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है अभी कि रिसेंटली इंडिया हैज मतलब नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया रीच द 100 मार्क, यानी टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज कितने हो गए हैं, 100 हो चुके हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और स्टार्टअप्स के फील्ड में अगर देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप वाली कंट्री है ना। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएस एंड चाइना, है ना। अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी बहुत तेजी से यहाँ पे स्टार्टअप्स का विकास हो रहा है ना। तीसरा सबसे लार्जेस्ट इंडिया बन चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिकॉर्न्स क्या होता है, क्योंकि टोटल यूनिकॉर्न्स कंपनी की संख्या 100 हो चुका है इंडिया में, ये याद रखिए। तो यूनिकॉर्न वैसी कंपनीज होती हैं, वैसी बड़ी स्टार्टअप्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो चुका है, $1 बिलियन से ऊपर हो, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो, $1 बिलियन से, यानी वैल्यूएशन जिनका $1 बिलियन हो चुका है। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, उनके पास $1 बिलियन से ऊपर का कैपिटल है ना। तो $1 बिलियन से जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, यानी वैल्यूएशन हो चुका है, उन्हें हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। साथ ही साथ उनका जो टर्नओवर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7500 करोड़ के बीच होना चाहिए टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, हाँ, फाइनेंशियल ईयर में जितना उनका आउटपुट आया है ना, उनका आउटपुट, इसमें प्रॉफिट अलग हो सकता है, मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया और कितना उन्हें रिटर्न आया है ना, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। टर्नओवर मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, उसमें जो भी उनका रिटर्न आया है ना, उस रिटर्न में हो सकता है उनका इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो, है ना, उस साल का जो खर्च हुआ हो वो भी शामिल हो। तो टर्नओवर मतलब उस साल उस फाइनेंशियल ईयर में उन्हें कितना आउटपुट मिला है, कितना उन्हें रिटर्न मिला है, उसे कहते हैं टर्नओवर। तो 7500 करोड़ जिनका टर्नओवर हो और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू यानी उनका $1 बिलियन के से ज़्यादा हो, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिकॉर्न कंपनीज बोलेंगे। ओके, तो अभी इंडिया में जो टोटल वैल्यूएशन है यूनिकॉर्न कंपनीज का, मतलब एक का तो $1 बिलियन होना चाहिए, अभी जो 100 हमारे पास है टोटल यूनिकॉर्न कंपनी, और टोटल का अगर हम वैल्यूएशन निकाल दें, ठीक है, तो टोटल का अगर वैल्यूएशन सारे यूनिकॉर्न कंपनीज का वैल्यूएशन निकाले इंडिया में, तो अभी कितना है, $330 बिलियन। अब देखिए 100 हमारे पास यूनिकॉर्न कंपनीज है और एक का मिनिमम कम से कम $1 बिलियन होना चाहिए, $1 बिलियन होना चाहिए। अब टोटल कितना वैल्यूएशन है, $330 बिलियन, इसका मतलब कुछ का बहुत ज्यादा होगा, है ना, कुछ यूनिकॉर्न कंपनीज का बहुत ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, वैल्यू होगा, है ना। तो टोटल मिला के इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो कितना है, $330 बिलियन। ओके, और इसको अगर हम रुपीज में निकालें तो कितना आता है, 20 लाख करोड़, है ना। नेक्स्ट क्या है कि द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न इज मोर देन दैट ऑफ यूएस, यूके एंड मेनी अदर कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए, जो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है यूनिकॉर्न का वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, है ना। भले ही इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनी सबसे ज्यादा नहीं है, अभी 100 ही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मतलब हर साल कितना यूनिकॉर्न कंपनी डेवलप हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। इंडिया में जो ग्रोथ रेट है यूनिकॉर्न कंपनीज का वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, इवन की यूके और यूएस से भी ज्यादा है, यानी हमारे यहाँ स्टार्टअप तो ही रहा है। स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में देखिए तो स्टार्टअप के क्षेत्र में कितना है, स्टार्टअप्स में थर्ड नंबर पे आता है ना इंडिया स्टार्टअप क्षेत्र में, यूएस और चाइना के बाद। लेकिन अगर ग्रोथ रेट की बात करें, यूनिकॉर्न कंपनीज के ग्रोथ रेट की बात करें, तो वो कितना है, वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में। इसका मतलब है
कि जिस रेट से इंडिया में स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो रहे हैं उस रेट से वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा रेट से जो स्टार्टअप्स है नया स्टार्टअप वो यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो रहा है, यानी छोटे से स्टार्टअप उन्होंने किया और धीरे धीरे वो यूनिकॉर्न कंपनी में कन्वर्ट हो गए, है ना, जिसका टर्नओवर 75,000 करोड़ से ज्यादा होने लगा है ना। इसके अलावा देखिए मैक्सिमम जो ये स्टार्टअप्स मैक्सिमम जो ये यूनिकॉर्न्स हैं वो किस कैटेगरीज में हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना, जो बैंकिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज होता है ना, बैंकिंग या दूसरे सर्विसेज में, फाइनेंशियल सर्विसेज में जो टेक्नोलॉजी यूज कर देते हैं शेयर मार्केट में, है ना, या बैंकिंग में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उससे रिलेटेड कंपनीज होती है ना, वो कंपनी उनके सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, वो कंपनी उनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जिनसे उनका सारा सेटअप चलता है, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे शेयर मार्केट का आपने देखा होगा जैसे ग्रो है, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पे आप शेयर आप खरीद सकते हैं, है ना। तो जो बहुत सारे जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं फिनटेक में। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है कंपनी वो इस कैटेगरी में आएगी। दूसरा है एडटेक, क्या है ये एडटेक या एडटेक, एजुकेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, है ना। एजुकेशन जैसे आपने देखा है बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप करके बैजूज है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े जैसे बैजूज है ना, तो एडटेक में है। उसके अलावा बी टू बी बिजनेस है, बी टू बी का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आपका कोई बिजनेस है छोटा सा उसको हेल्प करने में वो मदद कर रहा है ना, वो बड़ा जो यूनिकॉर्न कंपनी है आपके बिजनेस चलाने में आपको हेल्प कर रहा है ना, आपका एडवर्टीजमेंट कर रहा है या आपकी सर्विस आपको सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस इस कैटेगरी में भी बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं। तो कैटेगरीज की बात आएगी तो आप ये सारे लिख सकते हैं, फिनटेक है, एडटेक है, बी टू बी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का स्टेट क्या है स्टार्टअप्स के केस में, इंडिया का स्टेट क्या है, स्टेट मतलब स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति कैसी है स्टार्टअप के क्षेत्र में। तो सबसे पहले 44 इंडियन स्टार्टअप, सबसे पहले इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएस एंड चाइना, यूएस और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, ठीक है। और 2021 में ही सिर्फ 44 इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टेटस को अचीव कर चुके हैं ना, एक साल के अंदर ही 21 में ही, मतलब 21 तक लगभग 44 इंडियन स्टार्टअप ने अचीव किया है यूनिकॉर्न स्टेटस को, है ना, जो कि अब टोटल जाके कितना हो चुका है, 100 हो चुका है। उसके अलावा ये मोस्ट ऑफ जो यूनिकॉर्न्स हैं ये किस सेक्टर में है, ये सर्विस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, देखिए इकोनॉमी में अगर आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी को आप कैटेगराइज करेंगे तो तीन तरह की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना, ऐसे तो पांच होता है लेकिन जनरली तीन तरह से डिवाइड किया जाता है, चौथा होता है क्वार्टनरी और पांचवा क्यूनरी, है ना। तो प्राइमरी मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे जो काम करे जैसे एग्रीकल्चर, मिनरल माइनिंग, है ना, या फिर एलाइड सर्विसेज, है ना, डेयरी, ये सब, है ना। सेकेंडरी होता है इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्री, और टर्शियरी सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न को किस सेक्टर में है, टर्शियरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनके ग्रोथ का क्या कारण है, ये जो स्टार्टअप्स इंडिया में स्टार्टअप ग्रोथ कर रहे हैं उनका ड्राइवर्स कौन है, ड्राइवर मतलब उनको ग्रो करने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है, कौन से फैक्टर जिम्मेदार है। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, न्यू स्टार्टअप्स को, बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है ना, जिसमें आपको कॉलेक्टर फ्री लोन दिया जाता है और 3 साल तक के आपके टैक्स को माफ किया जाता है। उसी तरह है स्टैंडअप इंडिया, तो स्टैंडअप इंडिया में क्या है, एससी एसटी और विमेन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ना, उन्हें कुछ छूट दिया जा रहा है ताकि वो अपना स्टार्टअप क्रिएट कर सके, स्टैंडअप इंडिया में स्टार्टअप ने सभी लोगों को दिया जा रहा है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट का बहुत सारा सपोर्ट है। इसके अलावा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि आप में वो स्किल डेवलप हो और आप नए स्टार्टअप क्रिएट कर सके। और ज्यादातर स्टार्टअप्स इंडिया में अभी इनोवेटिव आइडियाज पे बेस्ड है। आपको अच्छा होगा कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज डेवलप हो रहे हैं
है ना हर साल, और उन पे स्टार्टअप्स क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए आइडियाज को लेके, है ना। पहले आप नहीं देखते होंगे इतनी सारी सर्विसेज। अब अगर ऑनलाइन पे आप खोजने जाए तो आपको मतलब फार्म एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन तक हर तरह की सर्विस आपको स्टार्टअप नए स्टार्टअप मिल जाएंगे, है ना। जैसे आपको ऑर्गेनिक वो चाहिए, है ना, ऑर्गेनिक फूड चाहिए, जैसे मशरूम चाहिए या कोई भी ऑर्गेनिक फूड चाहिए, तुरंत आप सर्च करेंगे तुरंत उसके लिए नया बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे जो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, है ना। उसी तरह एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कई सारे कोई भी कोर्स हो उसके लिए कई सारे स्टार्टअप्स हैं, कई सारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर वो आए हुए हैं ना। तो गवर्नमेंट सपोर्ट इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है एडॉप्शन ऑफ डिजिटल सर्विसेज। जब से डिजिटलाइज हुई है हमारी इकोनॉमी, जब से हमारी अर्थव्यवस्था डिजिटलाइज हुई है, तब से ये स्टार्टअप्स और भी बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि इन स्टार्टअप्स का रीच बढ़ रहा है। जैसे मैंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, मैंने कोई मेरा भी समझिए एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया, तो चूंकि ये डिजिटलाइज हो चुका है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है, तो मेरे लिए आसान होगा कि इसको मैं देश के दूसरे किसी भी कोने तक फैला सकता हूँ आराम से, है ना, ऑनलाइन टीचिंग या किसी और चीज़ के द्वारा, यूट्यूब या किसी चीज़ के द्वारा, है ना। तो डिजिटलाइज होने के कारण ये स्टार्टअप्स और भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या विश्वास हो जाता है कि हम इसको देश के दूसरे कोने तक फैला सकते हैं, है ना। और ये क्यों हुआ है, ये कोरोना टाइम में बहुत ज्यादा हुआ है। कोविड के टाइम में हमारा क्या हुआ था स्थिति कि लॉकडाउन के कारण हम बहुत सारे सर्विसेज को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, है ना, और इसी दौरान कई सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए। 2020-21 में कई सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए जो आपके घर तक किराना के सामान से लेकर मेडिकल से लेकर एजुकेशन हर चीज को आपके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है, है ना। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में एक है जिसका ऐड भी आता है, आमिर खान उसका ऐड करता है, जो आपके घर तक पहुंचाता है वो दवाइयों को, है ना। वैसे बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए 2020-21 में, और वो पेंडेमिक के कारण, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज बाधित हो गए थे, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उन्होंने यूज किया, टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज किया। अब तो ड्रोन्स का भी यूज करने की बात आ रही है कि आप सामान के डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो इस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन या फिर डिजिटली ड्रिवेन होने के कारण क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पेंडेमिक के कारण, उसके कारण ये डिजिटल सर्विसेज को ज्यादा अडॉप्ट होने के कारण स्टार्टअप्स की संख्या भी और बढ़ी। इसके अलावा है डिजिटल पेमेंट। अभी क्या है कि मैक्सिमम जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अब डिजिटली प्रेजेंट हो चुके हैं, हर बैंक अपना डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, है ना, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या फिर UPI हो, है ना, ट्रांसफर पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर हो, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है खासकर पेंडेमिक के टाइम से। तो अब जितना ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज या दूसरे सर्विस को जितना हम डिजिटली प्रोवाइड करेंगे उससे रिलेटेड यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया स्टार्टअप क्रिएट होंगे, है ना। तो इसलिए डिजिटल पेमेंट होने के कारण, पेमेंट सिस्टम पूरा डिजिटलाइज होने के कारण भी नए स्टार्टअप्स अब क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की कौन कौन सी इनिशिएटिव है रिसेंट टाइम में जो इन स्टार्टअप्स को क्रिएट सपोर्ट कर रही है, उसमें है नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड। इसमें क्या किया जाता है, हर साल एक ऐसे स्टार्टअप्स को चुना जाता है जो कि बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज हो और उसे नेशनल अवार्ड दिया जाता है, इससे भी स्टार्टअप्स प्रमोट हो रहे हैं, है ना। दूसरा है SCO स्टार्टअप फोरम। SCO मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया भी बना है मेंबर, है ना, हाल ही में इंडिया पाकिस्तान दोनों बने हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फोरम है SCO स्टार्टअप फोरम, जिसमें वर्ल्ड लेवल के या जो SCO मेंबर्स कंट्रीज हैं उन वहाँ के स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है ना, स्किल प्रोवाइड की जाती है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। इसमें एक कंसेप्ट आता है इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर समझते हैं क्या होता है इंक्यूबेटर्स, और ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होता है, जैसे आपके पास कोई आइडिया है ना, इनोवेटिव आइडिया, आप गवर्नमेंट के पास जब जाएंगे या बहुत सारे इंक्यूबेटर्स शहर में होते हैं, इंक्यूबेटर्स मतलब पालने वाला, उस स्टार्टअप्स को पालने वाला, तो इनक्यूबेटर्स क्या करेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा उस आइडिया को, मतलब उसको क्या करते हैं, उस आइडिया को रन करने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा, टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, एक जगह भी देगा, है ना, और स्किल भी देगा।
तो ये इसे ये इनक्यूबेटर्स होता है और इनक्यूबेटर्स को कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इनक्यूबेटर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है ताकि आप नए स्टार्टअप्स को आप फलने फूलने दें, उसको सपोर्ट करें, है ना, इनक्यूबेट करें। तो इस तरह का कंसेप्ट है। इसके अलावा एक अभी स्टार्टअप्स इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? लगभग 2015 या 14 में। तो उसके 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, मतलब एक समिट लॉन्च की थी, जिसका नाम था प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, है ना, प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ये 5 साल जो हमारा स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है उसका 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत ने ये समिट कराया था, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे कंट्रीज ने 25 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, है ना, 25 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो वो अपने स्टार्टअप्स के एक्सपीरियंस को शेयर किए थे, इंडिया ने भी अपने स्टार्टअप्स के एक्सपीरियंस को शेयर किया था वहाँ पे। ये बहुत सारे पूरे इंडिया से कई सारे स्टार्टअप्स को बुलाया गया था वहाँ पे, अपनी अपनी जो अपना जो उनका कंसेप्ट है उसको वो करने के लिए, दिखाने के लिए, है ना, उसकी प्रदर्शनी करने के लिए। और टोटल 25 कंट्री से लगभग डेलीगेट्स आए थे। तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव विच प्रमोट स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर आप क्वेश्चन आता है इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम से, तो इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। दैट्स इनफ ना।